everyone, welcome to my channel Beyond Lentils. मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आपको मेथी मटर मलाई बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिटेल रेसिपीज चेक करने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.beyondlentils.com। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मेथी मटर मलाई एक बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स डिश है। काजू और मलाई इस डिश को काफी रिच बना देते हैं। तो आइए आज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट इस मेथी मटर मलाई को बनाते हैं। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 2.5 मीडियम साइज प्याज, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 3 इलायची, 1 स्टिक दालचीनी, 5 लौंग, 1 टीस्पून जीरा और 12 से 15 काजू। इन सभी को मिलाकर 2 टेबलस्पून दही डालकर एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अब मेथी मटर मलाई पकाने के लिए एक पैन गर्म करें और उसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें और 2 से 3 बड़े चम्मच बटर। ये सभी चीजों को मिलाकर तैयार किया हुआ पेस्ट है जो अब हमें पैन में डालकर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। स्वाद अनुसार नमक डालें। लगभग 5 मिनट बाद मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें 1 कप बॉईल किया हुआ मटर डालें और 2 मिनट तक पकाएं। इसमें 1.5 कप मेथी के पत्ते डालें। मेथी के पत्तों को 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ करें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आंच एकदम कम कर दें और इसे 3 मिनट तक ढककर पकाएं। अब 1/4 कप पानी डालें। पानी डालकर इसे 5 मिनट तक आंच कम करके ढककर पकाएं। अब मेथी के कड़वेपन को कम करने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच शहद डालें और मिलाएं। इसमें 3 बड़े चम्मच मलाई या फ्रेश क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं। क्रीम डालकर इसे 2 मिनट और पकाएं। इस मेथी मटर मलाई को गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।